स्टूडेंट, आज हमें सेशन नंबर देखना है 37। 37 में आज हमें देखना है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अभी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मतलब क्या? पीपीटी। जैसे कि अभी देखो, हमें कोई बिजनेस है हमारा, तो बिजनेस की हमें एडवर्टाइजमेंट करना है, तो बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना इजी होता है। इसमें हम लोग इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, फोटोज़ ऐड कर सकते हैं, उसे एनिमेशन ट्रांजैक्शन इफेक्ट देके उसे कलरफुल बना सकते हैं। तो इसके लिए इसके सब फीचर्स है जिसका यूज़ करके, सब टैब है इसका यूज़ करके तुम्हें प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है। तो मोस्टली जैसे कि तुम्हारे कॉलेज में भी देखो, कोई भी टॉपिक देते हैं और उस लास्ट का जो लास्ट ईयर या सेकेंड लास्ट ईयर जो रहता है SY या TY, उसमें भी एडवर्टाइजमेंट एक टॉपिक रहता है। उस एडवर्टाइजमेंट में तुम्हें प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन और उसके डिटेल्स सब ऐड करके प्रेजेंट करना पड़ता है। तो इसके लिए उस प्रोडक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन रहना ज़रूरी है और वो इन्फॉर्मेशन हमें प्रेजेंटेशन में ऐड करनी है। अभी देखो, प्रेजेंटेशन जो ओपन किया तो ऊपर जो रहता है उसे क्विक एक्सेस टूल बार, फाइल टैब हम लोग हमेशा यूज करते वैसे ही, न्यू, उसमें हम लोग न्यू फाइल ले सकते हैं। उसके बाद अगर हमें टेम्पलेट चाहिए तो बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, इसमें से कोई भी टेम्पलेट तुम्हें चाहिए तो टेम्पलेट, थीम्स भी तुम लोग सर्च करके इसमें से ऐड कर सकते हो। बहुत सारे थीम्स हैं इसमें, अलग अलग थीम्स हैं। देखो, आपको जैसे चाहिए वैसे तुम लोग यूज कर सकते हो। इसके बाद अलग अलग टॉपिक वाइज टेम्पलेट तुम लोग यूज़ कर सकते हो। ओपन में हम लोग सेव करते हैं, वो फाइल ओपन कर सकते हैं। सेव एज में हमें फाइल को सेव करना है। प्रिंट में, प्रिंट करते समय उसे तुम्हें वन पेज में कितनी चाहिए स्लाइड वो एडजस्ट करना है। ये देखो, 2 स्लाइड चाहिए या 4 स्लाइड चाहिए, वैसे वो एडजस्ट करना है हमें। उसके बाद शेयर में हम लोग ईमेल से सेंड कर सकते हैं। एक्सपोर्ट से हम लोग PDF में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और वीडियो में भी कर सकते हैं। देखो, इसमें तुम लोग PDF भी कर सकते हो, क्रिएट वीडियो भी कर सकते हो। इसके बाद एप्लीकेशन क्लोज करना है तो तुम लोग क्लोज भी कर सकते हो। अभी फर्स्ट हमें ये जो स्लाइड्स है, ये देखो, हम लोगों ने प्रेजेंटेशन अगर नया लिया है तो नया प्रेजेंटेशन लेने के बाद तुरंत हमें एक स्लाइड पहले ही मिल जाती है। ये जो है, ये क्लिपबोर्ड है, इसका यूज़ तुम्हें पता है, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट प्रिंटर, हम लोगों ने वर्ड एक्सेल में भी देखा है। अभी इसमें नया क्या है? न्यू स्लाइड। अगर हम लोग प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं तो प्रेजेंटेशन में तुम्हें तुम्हारे आइडियाज इसमें यूज़ करना है और आइडियाज यूज़ करके तुम्हें स्लाइड कैसे लेना है ये तुम लोग डिसाइड कर सकते हो। अगर सपोज हमें टाइटल लेना है तो टाइटल स्लाइड, अगर सपोज हमें टाइटल स्लाइड और उसकी इन्फॉर्मेशन ऐड करना है तो वैसे इन्फॉर्मेशन ऐड के लिए टाइटल एंड कंटेंट, सेशन हेडर, 2 कंटेंट्स, हमें 2 कॉलम में अगर इन्फॉर्मेशन ऐड करना है, या फिर सेशन हेडर, पिक्चर भी ऐड करना है, इन्फॉर्मेशन भी ऐड करना है तो तुम लोग पिक्चर विद कैप्शन, ऐसे बहुत सारी स्लाइड्स तुम लोग इसमें से जो स्लाइड चाहिए वो स्लाइड ले सकते हो। ऊपर जो रेक्टेंगल रहता है उधर से अगर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जितनी चाहिए वो स्लाइड ऐड हो जाती है, लेकिन वो आपको जैसे चाहिए वैसे नहीं मिलेगी। उसके लिए फिर से आपको लेआउट पे क्लिक करके चेंज करना है। जैसे कि अभी ये देखो, ये स्लाइड ऑलरेडी 2 कॉलम वाली है, ये प्लेस होल्डर 2 है, ये 1 प्लेस होल्डर है और ये 1 प्लेस होल्डर है, 2 प्लेस होल्डर की स्लाइड है। मुझे टाइटल ओनली करना है तो लेआउट ऑप्शन में जाके उसे तुम लोग चेंज कर सकते हो। अगर बाय डिफॉल्ट तुम लोगों ने इधर से स्लाइड लिया तो तुम्हें चेंज करना है तो लेआउट ऑप्शन में जाके तुम लोग ऐसे जो चाहिए वो लेआउट बना सकते हो, जैसे कि टाइटल एंड कंटेंट, पिक्चर विद कैप्शन। ये देखो, ऐसे तुम लोग अलग अलग स्लाइड लेआउट से क्लिक करके ले सकते हो। इसके बाद फर्स्ट स्लाइड क्या है? देखो, टाइटल ओनली। अभी ये जो ये रेक्टेंगल है इसे कहते हैं हम लोग टेक्स्ट बॉक्स, लेकिन इसका ये टेक्स्ट बॉक्स हम लोग जब ड्रॉ करते हैं तो ये टेक्स्ट बॉक्स ऐड हो जाता है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट तुम्हें टाइटल ओनली स्लाइड में आता है। इसे कहते हैं प्लेस होल्डर। अगर ये प्लेस होल्डर हमें नहीं चाहिए तो ये पहले बॉर्डर पे क्लिक करो और डिलीट करो तो ये रिमूव हो जाएगा। फिर से ऐड करते हैं हम लोग, किधर? ये पहली बॉर्डर पे। अगर आप अंदर क्लिक करोगे तो डिलीट नहीं होगा, आपको बॉर्डर पे क्लिक करना है और डिलीट करना है।
तो वैसे तुम्हें जैसे स्लाइड चाहिए वैसे स्लाइड तुम्हें लेना है तो न्यू स्लाइड में भी ले सकते हो, और अगर बाय डिफॉल्ट तुम लोगों ने इधर से लिया तो लेआउट से उसे चेंज भी कर सकते हो। इसके बाद इसमें तुम्हें टाइटल ऐड करना है, सब टाइटल ऐड करना है, कंटेंट करना है, फिर और कंटेंट चाहिए तो और कंटेंट, इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो, ऐसे सब डिटेल्स तुम लोग ऐड कर सकते हो। तो हम लोग एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं, तो प्रेजेंटेशन क्रिएट करते समय फर्स्ट हमें ऐड करना है टाइटल स्लाइड। तो टाइटल स्लाइड हम लोगों ने लिया, इसमें हमें टाइटल ऐड करना है, तुम लोग कोई भी टॉपिक लो उस टॉपिक के बारे में तुम्हें डिटेल इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए, उसके बारे में जो कंटेंट्स है वो तुम्हें पता होने चाहिए, पिक्चर कैसे ऐड करना है वो भी पता होने चाहिए। अभी फर्स्ट हम लोग ले रहे हैं कंप्यूटर क्लास, या तुम लोग कोई किंग इलेक्ट्रॉनिक्स लो, या कोई भी शॉप का प्रेजेंटेशन क्रिएट करो, या अपने बिजनेस का प्रेजेंटेशन क्रिएट करो, जो भी करना है वो तुम लोग इसमें कर सकते हो। अभी इसमें हम लोग ऐड करेंगे टाइटल, ये हम लोगों ने टाइटल ऐड किया। अभी ये टाइटल जो है वो टाइटल बार बार लगने वाला है हमें, तो इसके लिए इसे सिलेक्ट करके कॉपी करना पड़ेगा। अभी दूसरी स्लाइड हम लोग लेंगे टाइटल स्लाइड, इसमें वो पेस्ट किया क्योंकि हमें टाइप करने की ज़रूरत नहीं, बाय प्रोप्राइटर नेम, ओके। ऐसे हम लोग प्रोप्राइटर, हम लोगों ने लिया कौन सी टाइटल स्लाइड, फर्स्ट टाइटल ओनली, सेकंड टाइटल स्लाइड, थर्ड हम लोगों ने कंटेंट स्लाइड, जिसमें हम लोग कंटेंट्स ऐड कर सकते हैं, बाइट कंप्यूटर कोर्स, तो हमें कोर्स के नाम ऐड करना है। ऐसे मैंने कोर्स ऐड किए, ओके। कोर्स के नाम हम लोगों ने ऐड किए, उसके बाद ऑटोमेटिकली बुलेट्स पे आ गया। अगर सपोज तुम्हें वो बुलेट चेंज करना है तो तुम लोग पैराग्राफ ऑप्शन में जाके अलग बुलेट्स भी ले सकते हैं, ये देखो ऐसे वाले बुलेट्स भी तुम लोग ऐड कर सकते हो, मतलब चेंज कर सकते हैं हम लोग। अगर नहीं चाहिए तो न्यूमेरिकल बुलेट्स भी ऐड कर सकते हो, जैसे तुम्हें चाहिए वैसे। नेक्स्ट हमें लेना है पिक्चर भी और उसकी इन्फॉर्मेशन भी, तो इसके लिए हमें लेना है लेआउट चेंज करके कंटेंट वाली लिस्ट, इसमें ऐड करना है बाइट कंप्यूटर कोर्स ड्यूरेशन एंड फीस, ऐसे ऐड करना है। अभी देखो हम लोग जब कंटेंट वाली लिस्ट लेते हैं तो कंटेंट वाली लिस्ट लेते समय हमें क्या करना है, देखो मिडल में हमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं, टेबल, चार्ट, स्मार्ट आर्ट, पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर, इंसर्ट वीडियो। तो हमें टेबल ऐड करना है तो टेबल पे क्लिक किया। अभी कितने कॉलम चाहिए हमें, थ्री कॉलम्स, थ्री कॉलम्स लिए। अभी रो चाहिए मुझे सात, तो ऐसे हम लोगों ने टेबल ऐड किया, ओके। फर्स्ट कोर्स नेम, उसके बाद ड्यूरेशन, उसके बाद फीस, ओके। नेक्स्ट ऐड करना है हमें कोर्स के नेम, अभी ड्यूरेशन हमें 2 मंथ, फीस 3,500, MSAT 3 मंथ, फीस 5,000,
फाइमन फीस 9,500, डीटीपी 2 मंथ फीस 4,000-5,000, नेक्स्ट एडवांस एक्सेल 2 मंथ फीस 6,200 और सी प्लस प्लस 2 मंथ 6,500। तो ऐसे हम लोगों ने फीस डाला। अभी ये टेबल को हमें फॉर्मेट करना है। टेबल को फॉर्मेट करने के लिए देखो डिजाइन और टेबल टूल्स आए, डिजाइन और लेआउट। टेबल को सिलेक्ट किया, फिर उसे अलाइनमेंट मिडल ली, टेक्स्ट साइज थोड़ी सी बढ़ा दी, बोल्ड किया। उसके बाद लेआउट में चाहिए तो लेआउट में उसे चेंज कर सकते हो, डिजाइन में चाहिए तो डिजाइन में चेंज कर सकते हो। तो ऐसे हम लोगों ने डिजाइन भी चेंज किया। ओके, आया समझ में? हम लोगों ने 4 ही स्लाइड बनाए, एक फर्स्ट टाइटल ओनली, सेकंड टाइटल स्लाइड, थर्ड कोर्स नेम वाली कंटेंट लिस्ट वाली स्लाइड, नेक्स्ट हम लोगों ने ऐड किया कोर्स ड्यूरेशन एंड फीस। अभी हमें यहाँ फोटोज ऐड करना है, तो फोटोज ऐड करने के लिए ब्लैंक स्लाइड लेते हैं। इसमें इंसर्ट ऑनलाइन पिक्चर, इसमें ऐड करते हैं कंप्यूटर लैब। तुम्हें कंप्यूटर लैब के फोटोज ऐड करना है। कंप्यूटर लैब के फोटो ऐड करने के लिए सिलेक्ट करो और इंसर्ट करो। तो ऐसे कंप्यूटर लैब तुम लोग ऐड कर सकते हो। इसमें टेक्स्ट ऐड करना है अभी, तो टेक्स्ट बॉक्स लिया और कंप्यूटर लैब मैंने टेक्स्ट ऐड किया, बोल्ड किया, थोड़ा सा टेक्स्ट साइज बढ़ा दी। ओके, तो ऐसे कंप्यूटर लैब आप लोगों को दिख रहा है। नेक्स्ट हमें चाहिए वाइट कंप्यूटर का इमेज, तो इसके लिए ऑनलाइन पिक्चर में बिल्डिंग इमेज लिया। बिल्डिंग इमेज में तुम्हें एक बिल्डिंग का इमेज ऐड करना है। कंप्यूटर क्लास की जो इमेज बिल्डिंग है उसका इमेज ऐड करना है। फिर से सर्च करना पड़ेगा आपको। ऐसे हम लोग मतलब अपने हिसाब से तुम लोग तुम्हारे दिमाग से थोड़ा आइडियाज ऐड करके उसमें तुम लोग चेंजेस कर सकते हो। तुम्हारे हिसाब से इमेजेस ऐड करो। कोई इमेज डाउनलोड करना है और उसमें टेक्स्ट ऐड करना है। तो ये इमेज ऐड हो गई। इसमें एक शेप लेते हैं हम लोग। होम में भी शेप है, देखो एरो शेप। इसमें एडिट टेक्स्ट करके उसे सिलेक्ट किया, बोल्ड किया। नेक्स्ट हमें अभी देखो लैब दिया मैंने, ये बिल्डिंग का इमेज ऐड किया। अभी नेक्स्ट हमें और एक स्लाइड ऐड करना है। तुम लोग कंटेंट वाली लो या फिर तुम लोग टाइटल स्लाइड भी ले सकते हो। इसमें कंप्यूटर क्लास नेम एड्रेस,
फिर कॉन्टैक्ट नंबर, फिर हमें कॉन्टैक्ट नंबर के लिए इंसर्ट ऑप्शन में आपको सिंबल लेना है, सिंबल भी ले सकते हो आप। सिलेक्ट करके उसे आपको टेक्स्ट कलर जैसे देते वैसे ही टेक्स्ट कलर जैसा कलर ऐड करना है। ऐसे नंबर ऐड किया, उसे अलाइनमेंट मिडल देना है आपको, ये भी मिडल में आना चाहिए। ओके, तो ऐसे हम लोग एड्रेस भी ऐड कर सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी बेसिक ही देखा है। देखो टेक्स्ट अगर हम लोग ऐड करते हैं, उसे सिलेक्ट करने के लिए फॉन्ट टैब है, और फिर बोल्ड, टेक्स्ट कलर चाहिए तो टेक्स्ट कलर ऐड कर सकते हो। फिर दूसरा टेक्स्ट तुम्हें ऐड करना है, टेक्स्ट कलर और बोल्ड करना है। अभी यही फॉर्मेट सब बाइट कंप्यूटर को देना है, तो फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करो। हर एक टेक्स्ट को अभी आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार यूज करना है तो डबल क्लिक करो, और फिर तुम लोग ऐसे यूज कर सकते हो। ऐसे हर एक टेक्स्ट को तुम लोग फॉर्मेट कर सकते हो। ओके, तो ऐसे तुम लोगों को फॉर्मेट करना है तो फॉर्मेट कर सकते हो। यही फॉर्मेट तुम्हें सिलेक्ट करके फॉर्मेट प्रिंटर पे जिस टेक्स्ट को अप्लाई करना है उसे सिलेक्ट करो, तो हम लोग फॉर्मेट प्रिंटर भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमें ये बुलेट वाली लिस्ट है उसे भी तुम्हें चेंज करना है, कलर चेंज करना है, फॉन्ट कलर चेंज करना है, जो तुम्हें कलर वगैरह चेंज करना है वो कलर चेंज कर सकते हो, बोल्ड, फॉन्ट चेंज करना है तो फॉन्ट चेंज कर सकते हो। तो ऐसे तुम लोग फॉन्ट और कलर चेंज कर सकते हो। तो होम टैब में फर्स्ट हमें देखना क्या था, फॉन्ट टैब, पैराग्राफ। अभी देखो सिलेक्ट किया टेक्स्ट मैंने, अलाइनमेंट राइट लेफ्ट सेंटर, तो तुम लोग कर सकते हो। हमें लेना है लेफ्ट में, फिर उसके बुलेट्स आपको चेंज करना है, बुलेट चेंज किए। उसके बाद सपोज तुम लोगों को न्यूमेरिकल बुलेट्स अप्लाई करना है, न्यूमेरिकल बुलेट्स भी अप्लाई कर सकते हो। लाइन स्पेस बढ़ाना है, अभी दो लाइन के बीच में देखो 1.5 2.0 तो ये ज़्यादा ही हो जाएगा। अगर टेक्स्ट की साइज कम है तो उसका स्पेस तुम लोग बढ़ाओगे तो चलेगा। ये देखो ये ऐसे 1.5 लिया मैंने। ओके, तो ऐसे टेक्स्ट की लाइन स्पेसिंग बढ़ा सकते हो। टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज करना है, हॉरिजॉन्टली, रोटेट टेक्स 90, रोटेट टेक्स 270, स्टैक, तो वैसे तुम लोग रोटेट भी चेंज कर सकते हो। अलाइन, मिडल, टॉप, बॉटम, जैसे लेफ्ट राइट सेंटर है वैसे टॉप मिडल। अभी ये हम लोगों ने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अलाइन देखो, मिडल, ये टॉप, ये बॉटम, तुम्हें जैसे चाहे वैसे तुम लोग ऐड करके दे सकते हो। अभी ये जो बुलेट लिस्ट है उसके सिलेक्ट करके हमें कन्वर्ट करना है स्मार्ट आर्ट में, तो तुम लोग कन्वर्ट भी कर सकते हो। देखो ऐसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं। क्या किया मैंने देखो, फिर से दिखाते हो, टेक्स्ट सिलेक्ट किया, कन्वर्ट टू अ स्मार्ट, ये देखो ऐसे, फिर इसका डिज़ाइन, स्मार्ट आर्ट का डिज़ाइन टैब ओपन होता है, फिर इधर से तुम लोग चेंज कर सकते हो। कलर चाहिए तो कलर भी चेंज कर सकते हो, आपको जैसे कलर चाहिए वैसे ऐड कर सकते हो। तो ऐसे तुम लोग होम में ये जो टेक्स्ट वगैरह लिया है उसमें सब ऐड कर सकते हो। इसके बाद शेप, शेप तो तुम लोगों को सबको पता है। अगर सपोज मुझे लास्ट स्लाइड में एक स्माइली फेस लेना है तो सिलेक्ट करो स्माइली फेस, और फिर ऐसे ऐड करो, फिर उसे कलर वगैरह चेंज करना है तो कलर चेंज करो, आउटलाइन चेंज करो, आउटलाइन की विड्थ थोड़ी सी बढ़ा दो, दिखेगा अच्छा। ओके, तो ऐसे तुम लोग शेप भी इंसर्ट करके ले सकते हो, जैसे तुम्हें फॉर्मेट करना है वैसे तुम लोग फॉर्मेट कर सकते हो। इसके लिए तुमने खुद से ही आइडियाज यूज़ करना है और फॉर्मेट करना है। आपको प्रेजेंटेशन कैसे प्रेजेंट करना है इसके बारे में खुद को ही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके बाद टेक्स्ट को फाइंड करना, रिप्लेस करना, ये सब हम लोगों ने
पहले भी देखा था, टेक्स्ट को फाइंड करना है तो फाइंड ऑप्शन में जाओ, टेक्स्ट को टाइप करो और फाइंड नेक्स्ट, ये देखो वो फाइंड करता जाएगा। और रिप्लेस करना है तो पुराना टेक्स्ट ऐड करके नया, पुराना टेक्स्ट ऐड करो पहले, फिर नया टेक्स्ट ऐड करो और रिप्लेस भी। अभी स्लाइड को सिलेक्ट करना मतलब क्या होता है, ये देखो ऐसे ये पूरी स्लाइड सिलेक्ट हो गई। इसी ये डुप्लीकेट क्रिएट करना है तो आप इधर से भी कर सकते हो और डुप्लीकेट सिलेक्ट, ये देखो जो स्लाइड सिलेक्ट किया उसका डुप्लीकेट। अभी रिमूव करना है, डिलीट करना है तो डिलीट स्लाइड, पूरी स्लाइड सिलेक्ट करके तुम लोग कॉपी करोगे और फिर जिधर चाहे उधर पेस्ट करोगे। तो ऐसे तुम लोगों को बेसिक प्रेजेंटेशन मैंने बताया कैसे क्रिएट करना है। ओके, आया समझ में? उसके बाद हमें देखना है डिजी लॉकर। अभी डिजी लॉकर मतलब क्या, आप लोग आपके जो डॉक्यूमेंट्स लेते हैं जैसे कि 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ज़रूरी पड़ती है लेकिन हमारे पास वो नहीं रहती, तो हम लोग क्या, ज़्यादा पेपर है तो वो घर पे रहेगा, ठीक से हम लोग हमारे बैग में कपड़ में रखते हैं, लेकिन हमारे मोबाइल में अगर रहेगा तो हम लोग कभी भी यूज कर सकते हैं। तो डिजी लॉकर जो है वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट सेफ रखता है। इसके लिए हमें यूज़र क्रिएट करना पड़ता है, उस यूज़र में वो सब सेव रहता है, और अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ती है तो उधर से तुम लोग डाउनलोड भी कर सकते हो और लिंक भी अटैच कर सकते हो, जिससे हमारे डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली अटैच हो जाते हैं। तो इसके लिए तुम्हें फर्स्ट ऐड करना है साइनअप। साइनअप के लिए तुम्हारा नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और सिक्योरिटी पिन, ईमेल आईडी, ये सब ऐड करना है। ये ऐड करने के बाद तुम लोग साइन इन कर सकते हो। साइन इन करने के बाद इसमें तुम्हें तुम्हारा मोबाइल नंबर या यूज़र नेम ऐड करना है और फिर नेक्स्ट करके तुम लोग लॉगिन क्रिएट कर सकते हो। अभी लॉगिन क्रिएट होने के बाद तुम लोग उसमें आधार कार्ड या पैन कार्ड या फिर तुम्हारा मोटर ड्राइविंग लाइसेंस, उसके बाद तुम्हारा जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट 10th और 12th ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, वो भी तुम लोग अपडेट करके ऐड करके रख सकते हो, ताकि तुम लोगों को जब भी यूज़ पड़ेगा तो तुम लोग इसमें यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए तुम्हें मतलब यूज़र नेम और पासवर्ड ऐड करना है। तो देखते हैं हम लोग, मैं करके देखती हूँ, मेरा लॉगिन आईडी पासवर्ड है, आप लोग भी फटाफट लॉग इन कर सकते हैं। अभी देखो लॉग इन हो गया मेरा, ये मेरा लॉग इन ओपन होने के बाद इसमें देखो, इस पर क्लिक करोगे तो आपको आधार कार्ड के डिटेल्स ऐड करना है, तो आधार कार्ड के डिटेल्स आप ऐड कर सकते हो, पैन कार्ड, उसके बाद वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ये सब ऐड कर सकते हैं। इश्यू डॉक्यूमेंट देखो, मेरे डॉक्यूमेंट्स इसमें सब ऐड है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, एलपीजी सब्सिडी, सब्सक्रिप्शन वाउचर, ये सब इसमें है। सर्च डॉक्यूमेंट में मैं वो सर्च कर सकती हूँ, मतलब आपको अगर सर्च करना है तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपडेट करना है तो सर्च कर सकते हो। मतलब हम लोग अपने डॉक्यूमेंट इसमें
सेव करके रख सकते हो। तो ऐसे हम लोग हमारे डॉक्यूमेंट सब सेव करके रख सकते हैं और जब जरूरत पड़े डाउनलोड भी कर सकते हैं और लिंक भी सेंड कर सकते हैं। उसके बाद फास्टैग है, फास्टैग का रजिस्ट्रेशन करना है आपको, तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें हमें जो हम लोग फोर व्हीलर अगर यूज कर रहे हो या बड़ी तुम्हारी गाड़ी है तो इसके लिए हमारा टैक्स जो है वो टैक्स तुम लोगों को अगर कट करना है तो टैक्स के लिए ये फास्टैग लगता है, वो गाड़ी के ऊपर लगाना पड़ता है। इसमें हमें पैसा डिपॉजिट करना पड़ता है ताकि जब तुम लोग जाते हो तो उधर कैश में पैसा नहीं भरना पड़ता, ऑटोमेटिकली वो कट होके फिर तुम लोगों को मैसेज आ जाता है। तो ये फास्टैग जो है वो फोर व्हीलर्स को तुम लोगों को ऐड करना है तो इसके लिए लॉगिन करना पड़ता है, गाड़ी की कुछ डिटेल्स ऐड करनी पड़ती है, अपना मोबाइल नंबर और फिर अकाउंट में से तुम्हें उसमें पैसा डिपॉजिट करना पड़ता है। और जब आप लोग बाहर जाते हो तो जो टोल लगता है तो वो टोल का पैसा तुम्हारा इसमें से कट हो जाता है। ओके, अभी आगे देखना हमें प्रोसेस फोलियो 37 का कॉपी ऑल द टेक्स्ट। देखो हम लोगों ने आज पावर पॉइंट का होम टैब देखा है और होम टैब पे ही प्रोसेस फोलियो है। कॉपी ऑल द टेक्स्ट फ्रॉम द गिवन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रेफरेंस मटेरियल एंड पेस्ट इनटू न्यू स्लाइड। देखते हैं हम लोग, टेम्पलेट फाइल है इसमें से ये पहले फाइल में सेव करके रखती हूँ और फिर वो फाइल ओपन करती हूँ। ओके, अभी ये जो स्लाइड है इसे हमें कॉपी करना है, पूरी स्लाइड सिलेक्ट ऑल किया, कॉपी किया, अभी न्यू जो स्लाइड हम लोग ओपन करेंगे इसमें जाके वो पेस्ट करना है। ओके, अभी क्वेश्चन इस पर सॉल्व करना है। कॉपी द सेकंड सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस फ्रॉम द गिवन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रेफरेंस मटेरियल एंड पेस्ट इनटू विद द कीप सोर्स फॉर्मेटिंग एट द बॉटम ऑफ द स्लाइड, क्वेश्चन नंबर वन। अभी इसमें जो टेक्स्ट है कौन सा टेक्स्ट है, देखो कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, कॉपी द सेकंड सेंटेंस फ्रॉम द गिवन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड पेस्ट इनटू विथ कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। सेकंड सेंटेंस को सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है और लास्ट में स्लाइड के लास्ट में तुम्हें पेस्ट करना है। कैसे पेस्ट करेंगे, पेस्ट कीप टेक्स्ट ओनली, ये देखो किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो सिलेक्ट द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द फर्स्ट स्लाइड एंड अप्लाई फॉर्मेटिंग स्टाइल रिमेनिंग सेंटेंस। अभी जो फर्स्ट सेंटेंस को फॉर्मेट किया है वो फॉर्मेट को कॉपी किधर से करते हैं, फॉर्मेट पेंटर से, और रिमेनिंग सेंटेंस को अप्लाई करते। देखो ये अभी अभी हम लोगों ने प्रेजेंटेशन में देखा है, सिलेक्ट द फर्स्ट स्लाइड एंड चेंज इट्स लेआउट टाइटल एंड कंटेंट। स्लाइड का लेआउट चेंज करना है, लेआउट भी कैसे चेंज करना है वो बताया मैंने, लेआउट ऑप्शन में टाइटल एंड कंटेंट, ये देखो हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द फर्स्ट स्लाइड चेंज फॉन्ट कलर टू पर्पल। अभी फर्स्ट लाइन का टेक्स्ट कलर चेंज करना है और उसे देना है पर्पल कलर, तो ये टेक्स्ट कलर ऑप्शन में गए और ये पर्पल कलर। नेक्स्ट है लेआउट चेंज किया हम लोगों ने, सिलेक्ट द फर्स्ट लाइन फॉन्ट कलर पर्पल, सिलेक्ट द सेंटेंस वाइन मिल्स फ्लोअर ऑफ द फर्स्ट स्लाइड चेंज द फॉन्ट साइज 22। अभी स्लाइड का फॉन्ट सिलेक्ट करना है और साइज करना है 22,
अभी इसमें साइज नहीं है तो आपको टाइप करना है और एंटर करना है 22 का यार। सिलेक्ट द टेक्स्ट वाई ओशन फ्लोर एंड अप्लाई द फील्ड राउंड बुलेट। हमें बुलेट चेंज करना है, सिलेक्ट करना है और राउंड बुलेट ऐड करना है। देखो फील राउंड बुलेट, ओके। नेक्स्ट ऐड करना है सिलेक्ट द टेक्स्ट होल टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट। पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट करना है और अलाइनमेंट लेफ्ट करना है, ओके। ड्रॉ द रेक्टेंगल शेप इन द स्लाइड एंड अप्लाई शेप फिल ऑरेंज एसेंट। एक शेप इंसर्ट करना है, इंसर्ट रेक्टेंगल शेप। कौन सा शेप है देखो, रेक्टेंगल शेप। तो होम में शेप ऑप्शन है, इसमें ये रेक्टेंगल शेप है, इसे ड्रॉ करना है और फॉर्मेट में शेप फिल कलर ऑरेंज, ऑरेंज एसेंट टू कलर, वही है ऑरेंज एसेंट टू कलर, ओके। आया समझ में? फर्स्ट तो तुम्हें सब टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करके लेना है, बाद में ये सब ऐड करना है, लेआउट चेंज करना है, टेक्स्ट कलर चेंज करना है, बुलेट चेंज करना है और ये रेक्टेंगल शेप लेना है, ओके। आया समझ में? 37 सेशन, उसमें हम लोगों ने डिजी लॉकर देखा, जो डिजी लॉकर में तुम्हें अपने डॉक्यूमेंट कैसे सेफ रखना है। फिर फास्टैग, जो फोर व्हीलर्स को टोल कट करने के लिए, जैसे कि टोल का पैसा कैश में भरने